तो दोस्तों फाइनली आज हम आ चुके हैं महिंद्रा के शोरूम पर, महिंद्रा की जो न्यू वाली बुलेरो मैक्स पिकअप लॉन्च हुई है उसकी सच्चाई जानने और सारी चीज़ें क्लियर करने। तो दोस्तों हमने इसका कोटेशन भी निकाल लिया है, ये इसके अंदर इसका कोटेशन है और ये आपको ऑन रोड कितने में मिलेगी, सारी चीज़ें क्लियर करने वाले, इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो सच्चाई है वो आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पिकअप ट्रक की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा बुलेरो मैक्स पिकअप। दोस्तों इसके लुक्स के बारे में कोई टेंशन ही नहीं है, लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, रोड प्रेजेंस आपको अच्छा मिलने वाला है इसके अंदर, लेकिन मैं जो है मैं आपको सच्चाई बताने आऊँ तो सच्चाई ही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं करीब से। तो ये इसके हेडलैम्प्स है दोस्तों जो कि हमें न्यू वाले मिलते हैं और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर के साथ, और ये इसकी फ्रंट की ग्रिल है दोस्तों महिंद्रा के लोगों के साथ, लेकिन मुझे ये ग्रिल थोड़ी सी क्वालिटी इसकी बेकार लगी। जी हाँ दोस्तों सच ही बताऊँगा, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है इसकी। यहाँ पर आपको फॉग लैंप लगाने के लिए जगह मिलती है और ये जो है इसका फ्रंट का टप है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक सच्चाई और बता दो दोस्तों, इसकी भी क्वालिटी थोड़ी सी मुझे बिल्ड क्वालिटी ठीक नहीं लगी, थोड़ा सा दब रहा था वो, महिंद्रा जैसा ऐसा स्ट्रांग नहीं लग रहा था, लेकिन लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर दिए दोस्तों इन्होंने, लुक्स अच्छे है। ये रहे दोस्तों इसके टायर्स यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलता है, यहाँ पर बुलेरो के साथ मैक्स की बैजिंग मिलती है, पिकअप मिलता है नीचे, और ये रहा इसके साइड्स के लुक्स देखने वाले हैं दोस्तों हम आज। तो ये साइड के लुक्स है दोस्तों। और एक बात बता दूं आपको दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ा दी है, क्योंकि कैमरा में वो बैठ नहीं रही है, हम कितने पीछे जा रहे हैं फिर भी ये पूरी जो बुलेरो पिकअप है वो पूरा हमारे स्क्रीन में बैठ नहीं रहा है। ये इसका रियर का टायर है देख सकते हैं, चौड़ा मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, और ये इसके देख सकते हैं लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। और दोस्तों ये ORMI जिसकी क्वालिटी भी मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, वो भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की गई है। यहाँ पर हमें ये न्यू वाली डिज़ाइन मिलती है दोस्तों, ये डोर हैंडल्स है, और ये यहाँ पर आपको CT 3000 VXI की बैजिंग मिलती है, और ये जो देख रहे हैं दोस्तों ये टॉप मॉडल देख रहे हैं, और ये है पीछे का डाला इसका जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें मिलता है, लेकिन ये है ये स्ट्रांग है दोस्तों। ये पीछे की खिड़की मिलती है, ये डाला जो है ये स्ट्रांग रखा गया दोस्तों वज़न उठाने के लिए, पीछे हमें खिड़की मिलती है पीछे जो सामान रखा गया है उस पर ध्यान रखने के लिए, और ये साइड व्यू है दोस्तों कुछ इस तरह सा। अब देखते हैं पीछे हमें क्या क्या मिलता है इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल लैम्प्स मिलते हैं, और यहाँ पर ये सेंसर्स है दोस्तों। इसकी एक सच्चाई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बाद में बताऊँगा, सेंसर्स आपको बाद में बिठाने पड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर महिंद्रा की बैजिंग, और नीचे अगर हम देखें तो नीचे अपने आपको स्टेपनी रखने के लिए जगह मिलती है, और यहाँ पर स्टेपनी आप आराम से रख सकते हैं आपकी, और ये पीछे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता सिवाय उस सेंसर्स के, और उसकी भी एक बात है जो बतानी है। और यहाँ पर देख सकते हैं सस्पेंशंस, और दोस्तों ये आपको एक ढांचा है गाड़ी का वो नीचे का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों जो सच्चाई है वो मैं बताने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये मैक्स पिकअप का टॉप मॉडल है, और दोस्तों आपको इस टॉप मॉडल के अंदर भी टच स्क्रीन नहीं मिलती, वो आपको बिठानी पड़ती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों जो भी बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, मैंने बात की है सर के साथ, सर ने मुझे बताया कि ये जो है उसको आपको खरीदना पड़ता है, खरीदने के बाद आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके बाद जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो टच स्क्रीन है, जो सेंसर्स है वो बिठा के देंगे, और उसके बाद वो वर्क करेगा, जो कि आपको यूट्यूब पर आप वीडियोज़ देखते हैं उसमें भी दिखाया जा रहा है कि टच स्क्रीन है ऐसा वैसा, तो आपको बाहर से बिठानी पड़ती है दोस्तों। और उसके लिए अगर आपको महिंद्रा के सर्विस सेंटर से बिठानी है, शोरूम से बिठानी है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो भी कितने देने पड़ते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने बात कर ली है। तो आपको 7000 रुपये देने पड़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपके उस गाड़ी के अंदर स्क्रीन बिठाई जाएगी और जो है सिस्टम काम करने लगेगा। तो दोस्तों उसके भी वो अलग पैसे ले रहे हैं, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम टॉप मॉडल देख रहे थे, टॉप मॉडल में भी आपको वो स्क्रीन नहीं मिलने वाली दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी लोडिंग कैपेसिटी के बारे में और माइलेज के बारे में। तो दोस्तों इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है कंपनी बताती है कि ये 1300 किलो तक का वज़न उठा लेती है, लेकिन मुझे लगता है 1300 किलो तो कुछ नहीं है, ये जो पिकअप है ये उससे कहीं ज़्यादा वज़न उठाने के लिए बना है, बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेता है दोस्तों आपके ऊपर है, और आपको ही पता है 1300 किलो कोई इसके अंदर लेके नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा भर भर के इसके अंदर माल लेके जाते हैं लोग। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो दोस्तों कंपनी जो क्लेम करती है उसको छोड़िए, जो रियल माइलेज देती है ये बुलेरो पिकअप वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रियल जो है दोस्तों ये आपको 16 से 17 KMBL का माइलेज आराम से निकाल के देगी, तो कंपनी का छोड़ दीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच्चाई है। और जो आपको पीछे की आवाज़ें सुनाई दे रही है दोस्तों उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि हम यहाँ पर शोर शराबे में वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी सी आवाज़ तो आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये है इसके लुक्स, और जो सच्चाई है मुझे पता चली वो सच्चाई मैंने आपको बता दी। और इसके अंदर आपको 3 लोग बैठाने के लिए परमिशन है दोस्तों, 3 लोग आप इसके अंदर आराम से बिठा सकते हैं। लुक्स के बारे में कोई टेंशन नहीं है, लुक्स मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा पसंद आए दोस्तों, लुक्स सच में अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में कॉस्ट कटिंग की गई है, बाकी कुछ टेंशन नहीं है, माइलेज भी अच्छा है।
तो दोस्तों अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो हमें यहाँ पर जो कोटेशन मिला है इसमें इसकी एक्स शोरूम प्राइस सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें बताई गई है 788,000, ये इसकी एक्स शोरूम प्राइस बताई गई दोस्तों। और उसके बाद इसके ऊपर टैक्स लगेंगे जो कि है रोड टैक्स, TCS, इंश्योरेंस और भी बहुत सारे टैक्स यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद ये ऑन रोड हमें मिलने वाली है दोस्तों 8,59,000 में। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ऑन रोड मिल जाएगी 8,59,000 में। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर 25,000 तक का डिस्काउंट भी दे देंगे, ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन ये आपको 8.5 लाख के ऊपर ही मिलने वाली है। ये इसकी ऑन रोड प्राइस है जो मैंने आपको बताई, और ये हमने कोटेशन भी निकाल लिया है, कोई झूठ नहीं है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये न्यू वाली बुलेरो मैक्स पिकअप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो भी हमने बताया आपको वो सच्चाई थी। आप जाकर आपके करीबी शोरूम पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये हमारी सिटी की जो प्राइस है वो हमने आपको बताई है, आपकी सिटी में वो अलग भी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।